नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Apple Study में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट मिलेगी। आप इस वीडियो की स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। तो सबसे पहले आज की सुखद खबर सुनते हैं कि दुनिया भर में ठीक होने वाले कोरोना रोगी 13 लाख पार हो चुके हैं। आज का सेंसेक्स देखते 31,443.38 पर बंद हुआ है। निफ्टी 9,199.05 पर बंद हुआ है। एक सबसे बड़ी न्यूज देखते हैं दोस्तों कि विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस रिसी और 11 मौतें हो चुकी है। 300 से ज्यादा अस्पतालों में रात भर में फिर रिसाव हुआ है। जान बचाने को भागे बेसुध होकर के सड़कों पर गिरते रहे। एलजी फैक्ट्री के 5 किलोमीटर दायरे में 5 गांव प्रभावित हो चुके हैं। बड़ी चूक यह है कि हादसे के बाद प्लांट का सायरन नहीं बजा था। इंसानों के साथ हजारों पशु पक्षी भी अचेत पड़े थे, पेड़ पौधे मुरझाए। प्राइम मिनिस्टर ने आपात बैठक बुलाई और सीएम ने आश्रितों को 1-1 करोड़ घोषित किया है। आज की कोरोना क्यूक अपडेट देख लेते हैं। 38.62 लोग दुनिया भर में कुल संक्रमित हो चुके हैं। 2,67,054 लोगों की मौत हो चुकी है। 13.21 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 75,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में बात करते हैं कि 12,69,859 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 75,490 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करते हैं देश की, तो देश में कुल संक्रमित लोग 56,274 हो चुके हैं और कुल मौत हो चुकी है 101,808। राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो 3,427 लोग कुल संक्रमित हो चुके हैं। 99 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर शहर में 1,111 लोगों की कुल संक्रमित हो चुके हैं और मौतें 53 हो चुकी है। यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप का निजी सेक कोरोना पॉजिटिव मिला है। साल का आखिरी सुपरमैन सामान्य से ज्यादा चमकदार। 24 घंटे में 3,492 नए मरीज मिले हैं। 105 मौतें हुई है। राजस्थान में 110 नए रोगी, 6 मौतें। जयपुर में 2 मौतें और 21 नए संक्रमित मिले हैं। अब सिरोही में कोरोना लाया प्रवासी। जोधपुर में 12 बीएसएफ जवान रोगी है। दूल्हा बॉर्डर पर अटका है, दुल्हन मंजूरी लेने में जुटी। भास्कर बना मददगार। 8 घंटे संघर्ष और पंजाब वाले ले गए दुल्हनिया। बच्चों को कोरोना को बड़ा जवाब है कि जयपुर में 1100 कोरोना पॉजिटिव में से 106 बच्चे, ज्यादातर में लक्षण भी नहीं मिले हैं। 2 की मौत, मगर सबसे ज्यादा 90% है रिकवरी रेट। शुक्र है राहत भरी मई आई, हमारी चिंता कम करने वाली 2 खबरें हैं। 2,350 सुपर स्प्रेडर में से 2,100 संक्रमित यानी 1% से भी कम है। डरे नहीं, सावधान रहे। 7 दिन में 3,357 सैंपल लिए गए हैं और 1,007 की रिपोर्ट आना बाकी है। रिकवरी भी बढ़ रही है, अब तक 670 ठीक हो चुके हैं और 587 डिस्चार्ज हुए। अप्रैल में 249 डिस्चार्ज, मई के 7 दिन में 338 डिस्चार्ज, 381 एक्टिव केस है। 21 नए केस आए हैं और एक और सब्जी विक्रेता संक्रमित हुआ है। मुहाना मंडी की 25 दुकानें बंद है। कुल पॉजिटिव 1,111 की, 2 की मौत, कुल 53 की जान गई है। विराटनगर से पहला संक्रमित मिला है। अब तक 21 सुपर स्प्रेडर पॉजिटिव, 14 सब्जी और 7 किराना वाले। संक्रमित सब्जी वाले के संपर्क में आने वाले 13 लोग क्वारंटाइन। राजस्थान राज्य की बात करते हैं कोरोना में तो 3,427 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और 110 लोग नए मरीज आए हैं। 99 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,889 ठीक हो चुके हैं और 1,523 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बात करते हैं कि कोरोना वायरस काल की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक थी, जब 92 साल के भवानी शंकर वायरस को हराकर घर पहुंचे थे। डॉक्टर और इंजीनियर बेटे भी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन मैं जिंदगी से रिटायर नहीं होना चाहता था। परिवार के बीच आने की जिद थी, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। 2 और कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है कि जयपुर की 60 से अधिक कॉलोनियों में कर्फ्यू लगा। आज का सुविचार है कि चुनौतियों को स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद महसूस कर सके। कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों के मामले में 9वें स्थान पर पहुंचा भारत। पहली बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वेदर बुलेटिन जारी किया गया।
जेई एडवांस परीक्षा अब 23 अगस्त को होगी। गिर में 3 माह में 23 शेरों की बोबेसिया रोग से मौत हो चुकी है। टाटा ने 18 साल के लड़के की कंपनी में 50% हिस्सा खरीदा। रोग बढ़ रहा है, सिरोही में मिला पहला रोगी भी प्रवासी। राजस्थान की बात है कि 1 से 2 जिले संक्रमित होने में 17 दिन लगे हैं, 30 दिन में ही 20 और जुड़ गए हैं। 33 में से 31 जिलों में बैठ गया कोरोना और 2 में दहशत झांकी रही। चीन से भारत आना चाहती है 1000 कंपनियां। गहलोत इन्हें यहां लाने के लिए बनाएंगे टास्क फोर्स। अमेरिका, कोरिया और जापान अब चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। 54,000 शिक्षकों को मुख्यालय आने के आदेश। शिक्षक बोले पहुंचेंगे कैसे, 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल और शिक्षक 26 जून से आएंगे। महिला से गैंगरेप, फिर गला घोंट कर मार डाला। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के 2.2 करोड़ छात्रों को डेटा चोरी हुआ। डार्क वेब पर 1.5 लाख रुपए तक में बेचने का ऑफर दिया जा रहा है। बीकानेर में दिल दहलाने वाली वारदात, मां ने बेटी संग मिलकर पति को पेट्रोल छिड़कर जिंदा जलाया। SBI होम और कार लोन सस्ते होंगे। लॉकडाउन में 20-25 पतियों का तर्क, घरेलू काम और बच्चों की जिम्मेदारी पत्नियां की है। सर्वे के अमेरिका में 97% महिलाएं बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही है। 66% ने माना कि पतियों से कोई सहयोग नहीं मिला है। कोरोना की ज्यादा चिंता से हार्ट और इम्यून सिस्टम को खतरा, खुशी देने वाले काम करें। राजस्थान में पेट्रोल 1.5 रुपए और डीजल 70 पैसे महंगा हुआ है। येल में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जाने कोरोना वायरस के दौर में पढ़ने के लिए वेस्ट बुक्स। अपने IQ स्कोर से जानिए कि कितने जीनियस है आप। महिला थाने में घरेलू हिंसा से जुड़े फोन तो आते हैं, पर कर्फ्यू लॉकडाउन के कारण पीड़ितों थाने नहीं आ रही है। 22 मार्च से अब तक महिला थानों में सिर्फ 5 मामले दर्ज है। पिछले अप्रैल में 124 केस दर्ज हुए। फेसबुक पर दोस्ती करके बुलाकर फिर दुष्कर्म किया। NIT उत्तराखंड भी लेगी ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन ट्रांसफर पट्टे लीज के 26 केस निपटे। पूर्व समितियों और निकाय सदस्यों की बहाली की गुहार। ओले बारिश के बाद पारा फिर 45 के करीब पहुंचा और आंधी बारिश की चेतावनी। चेतक ने अस्पताल पहुंचाया था जहां मौत हो गई। रिद्धि सिद्धि चौराहे पर 3 युवकों ने पीट पीट कर अधेड़ को मार डाला। 4,000 घूस लेने के निगम का स्वास्थ्य निरीक्षण पकड़ा। न्यायिक अधिकारी के से दुर्व्यवहार का मामला, हाईकोर्ट ने IO से पूछा कि 17 साल से आरोपी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ई नीलामी के लिए छोटे भूखंडों का चयन, प्राइम लोकेशन की सूची तैयार की गई है। भोर के प्रहरियों के जज्बे को सलाम, हर पुख्ता खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीपल पूर्णिमा पर 8 जोड़े ने थामा एक दूसरे का हाथ। न बैंडबाजा, न ही 56 तरह के व्यंजन, 1 रुपए दहेज और 20,000 में विदा हुई दुल्हन। आपराधिक मामले में गिरफ्तार न होने का मतलब जांच गलत होना नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा है। याचिका खारिज करते हुए दिया है यह आदेश। गले के कुत्ते को लोगों ने डंडों से पीट पीट कर मार डाला, मामला दर्ज किया गया है। नर्सिंग कर्मियों का हो सकता है स्वागत, TNAI ने रखी मांग। NMIMS NPAT 2020 परीक्षा अब ऑनलाइन। COVID-19 जोखिम उठाकर सुभाष नगर क्षेत्र के नागरिकों ने बांटे 1.5 लाख भोजन के पैकेट। उद्योगों को सुरक्षा मानदंडों में नहीं मिलने को कोई रियायत। महामारी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू होने से नौकरशाहों के हाथों में आ गई है जबरदस्त अधिकार। कोरोना से लड़ाई में अब राजनीतिक सहभागिता की अधिक जरूरत है। पिछले 73 सालों के दौरान विभिन्न दलों के शासन में भारत में 70 से 80 गुना बड़ी शराब को भी। तात्कालिक तालाबंदी को स्थायी नशाबंदी में क्यों न बदला जाए। वर्क फ्रॉम होम सबसे पॉपुलर ट्रेंड है कि 6 सर्वे से देखे किस तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ी, छुट्टियां घटी, मेंटल हेल्थ में दबना। 90% कंपनियां बोली कर्मचारियों ने काम ज्यादा किया, लीव कम ली। 53% कर्मचारी बोले मेंटल हेल्थ पर असर हुआ है। इन 4 तरीकों से चुने अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। किताबों के लिए मैसूर में हूँ चौड़ा रास्ता। जस्ट 2020 अप्रैल में होने वाला ज्वेलरी शो अब अक्टूबर में होगा। अमिताभ के कैमरामैन बने अभिषेक रणवीर ने आलिया को शूट किया। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से मई के मध्य
तक गाइडलाइंस जारी होंगे। महल के लिए और होटल में प्रवेश के लिए बनेंगे नए नियम। मॉन्यूमेंट्स म्यूजियम ने विजिटर्स की थर्मल स्कैनिंग, बिना मास्क नो एंट्री। देश भर के 210 इंस्टीट्यूट के 750 फैकल्टी मेंबर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग। 9 को होगा द बीटल्स आर फॉर एवर पर वर्चुअल सेशन। स्टडी मटेरियल के साथ भरपूर नॉलेज देने के प्रयास कर रहे हैं एजुकेशनिस्ट। स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रॉब्लम न हो इसलिए खुद सीख रहे हैं इंटरनेट की हर नई तकनीकी। कलाकारों के लिए लॉकडाउन में बेहतर अवसर। हर बेघर के लिए 100 रुपए अंत्योदय योजना में भेजी निकायों को राशि। सामाजिक न्याय की सतर्कता समिति में 2 विधायक मनोनीत किया गया है। 134 मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के चेतन वेतन के लिए बजट जारी किया गया है। पंचायत शाखों का कार्यकाल अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाया गया। विक्रम युवा गुर्जर महासभा महासचिव बने हैं। देवनारायण मंदिर तोड़ने के मामले में हनुमान बेनीवाल अवाना ने जताई आपत्ति। मेडिकल इमरजेंसी मृत्यु के मामले में जिला कलेक्टर जारी कर सकेंगे। बिना ई पास के नहीं होगा इंटरस्टेट आवागमन, सीएम ने कहा है। पूर्णिया में केंद्रीय मंत्री ने की विदेशों में फंसे छात्रों से वीसी के जरिए बात। जल्द वतन वापसी का आश्वासन भी दिया है। एमबीसी की आरक्षित सूची में मुस्लिम सैनी वैष्णव जैन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 3 अलग अलग भर्तियों में ऐसे मामले सामने आए हैं। गर्मियों में कोई प्यासा नहीं रहे इसके लिए इंतजाम किया जाए। संकटग्रस्त क्षेत्रों में बेहतर की बजाय 48 घंटे में हो आपूर्ति, अशोक गहलोत ने कहा है। विशाखापट्टनम हादसे पर सितारों ने जताया दुख। गड़बड़ी पर पर्दा डालने के लिए ने श्रेणीवार सीट तालिका निकाली। नहीं ये बताया कि सीटों का आवंटन किस प्रकार किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जाति आधारित आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी पालना भी नहीं की गई है। केंद्र से मिलने वाले 1096 करोड़ रुपए लैप्स होंगे, स्टूडेंट्स को करना होगा इंतजार। पाली के बुजुर्ग लोहार ने बनाई कोरोना से बचाव के लिए खिलौना गाड़ी। कोटा में परिवार के सभी 6 लोग संक्रमित हो गए। वार्ड में भर्ती पॉजिटिव बेटे ने अकेले ही किया पिता का अंतिम संस्कार। विधायक डॉक्टर शर्मा ने 43वीं बार रक्तदान कर युवाओं का बढ़ाया हौसला। 281 यूनिट संग्रह। कोरोना वायरस का खौफ, अंधेर तीसरी मंजिल से कूदा। विमान से कंपनियों को 17-18 हजार करोड़ रुपए, एयरपोर्ट ऑपरेटर को 5 हजार करोड़ का नुकसान। लॉकडाउन से एविएशन इंडस्ट्री को 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान। ट्रैक पर लौटने में लगेंगे 2 साल, क्रिसिल का है। पहले से सुस्त की मार झेल रहा था एविएशन सेक्टर, महामारी से स्थिति और बिगड़ी। 18 साल के अर्जुन देशपांडे की कंपनी में रतन टाटा ने खरीदी 50% हिस्सेदारी। बजाज कंज्यूमर केयर के नोमक्स सैनिटाइजर लॉन्च। किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल का सितंबर 2019 तक 15,575 करोड़ का कर्ज था। फ्यूचर रिटेल में 49% हिस्सा खरीद सकती है अमेजन। ई एजुकेशन ई कॉमर्स से दुनिया होगी ज्यादा डिजिटल पई ने कहा है। देसी घी पर मंडी शुल्क से भाव 10 रुपए किलो तक बढ़ने की आशंका है। विदेशी जमीन पर लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 पारी में 35 का औसत। देश का 70% स्पोर्ट्स मार्केट जालंधर से जुड़ा। मेरठ से देश का 45% गुड्स निर्यात होता है। देश में खेल से जुड़े सामान के बाजार को 4,700 करोड़ के घाटे की आशंका। अगले साल मार्च में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उन्हें मानसिक समस्या है। इंग्लिश क्रिकेटरों को 9 हफ्ते तक परिवार से दूर रहना होगा, तब टीम में जगह मिलेगी। जूनियर क्रिकेटर्स ने सीएम रिलीफ फंड में दिए 43,001 रुपए। फुटबॉल बुंदेसलीगा दोबारा शुरू होने वाली, पहली लीग 16 मई से मुकाबले। बिहार लॉकडाउन से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाने के बाद घर लौटे तो अपनी माटी को नमन किया गया। अमेरिका बोला कि लॉकडाउन से छुटकारा नहीं मिला तो मैसाचुसेट्स गवर्नर के दफ्तर में धावा बोला। 24 घंटे में कोरोना के 3,492 नए मरीज मिले हैं, 105 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के बाद अहमदाबाद में संक्रमण तेज, 5,000 के करीब पहुंचे मरीज। देश के 75 जिलों में होगा अध्ययन। बिना लक्षण वालों की पहचान करेगा आईसीएमआर, कम्युनिटी संक्रमण का अंदाजा लगेगा। महाराष्ट्र नासिक से 130 सिख श्रद्धालुओं को वापस पंजाब भेजा। रूस में एक दिन में सबसे ज्यादा 11,000 मामले आए हैं।
महाराष्ट्र में 1216 नए मरीज, गुजरात में कुल संक्रमित 7000 पार। अमेरिका और चीन में आरोप प्रत्यारोपी जारी। कोरोना वायरस हमला पर पर्ल हार्बर और नवाई 11 से भी खौफनाक ट्रंप। इटली, कर्ज माफिया के शिकंजे में फंस रहे लोग। मोरक्को, लॉकडाउन के दौरान ड्रोन करेगा निगरानी, सैनिटाइजेशन सूचनाएं देने के काम भी आएगा। गुजरात के अहमदाबाद में लॉकडाउन के असर पर दो चरणों में 730 परिवारों के बीच किया गया सर्वे। IIMA का सर्वे, लॉकडाउन का कम आय वर्ग पर असर, 54% परिवारों ने खाना कम किया, एक टाइम खाने को मजबूर। नेतन्याहू को कोर्ट ने सरकार बनाने की मंजूरी दी है। 13 को लेंगे पीएम पद की शपथ। ग्रामीण विकास विभाग में कंट्रोवर्सी। ACS जासेश्वर सिंह ने विशिष्ट सचिव आरुषि मलिको के पावर सीज किए। मौसम विभाग ने मुजफ्फरबाद का भी वेदर बुलेटिन जारी किया, कहा ये भारत का हिस्सा है। कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे चीनी रिसर्च की अमेरिका में हत्या। महाराष्ट्र, 3 फीट के जावरू को मिली 4 फीट की नैना, सादगी से हुई शादी। ट्रंप सरकार ने कोर्ट से कहा है कि HIV वीसा धारकों के जीवन साथी के वर्क परमिट ब्लॉक न करें। कोरोना काल में घर की उचित सफाई जरूरी है, विशेषज्ञ बता रहे हैं कैसे करें रोगाणु रहित सफाई। हम सतह पर डिसइंफेक्टेंट लगाकर तत्काल पहुंच देते हैं, लेकिन उसे पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाता, जानिए सफाई का सही तरीका। अफगानिस्तान, सेना ने 30 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया, 2 को जिंदा पकड़ा। अब मानना के केस में 3 वकीलों को 3 माह की कैद। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले पर WHO ने चिंता जताई। चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे तक सेना की आसान पहुंच के लिए सड़क तैयार की गई। नायकों के मारे जाने के बाद में पुलवामा में पथराव। कश्मीर में कई जगह कर्फ्यू। अमृतसर में हिजबुल के 2 आतंकी पकड़े गए। लॉकडाउन के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी की भी होम डिलीवरी होगी। विदेश में फंसे 8500 राजस्थानी लाए जाएंगे। IAS सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन उसे प्रेस जरूर करना, जिससे पल पल की जो न्यू अपडेट्स है, जो आप नोटिफिकेशन आपके पास आपको मिल सके। Thank you for watching.